What does the grass say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingprep.in. आज है 1st September 2020 ट्यूसडे है, सुबह के 8:27 हो रहे हैं। नया मंथ शुरू हो रहा है, पहला ट्रेडिंग सेशन है नए मंथ का। कल लास्ट डे था अगस्त मंथ का ट्रेडिंग सेशन, और हमने देखा एक जियोपॉलिटिकल न्यूज आते ही एक डिजास्टर देखने को मिला। निफ्टी इंडेक्स करीब टॉप जहां पर बनाया था डे हाई, वहां से ऑलमोस्ट 500 की गिरावट हमें देखने को मिली। तो कल एक न्यूज आई थी, इंडिया चाइना बॉर्डर पे फिर से टेंशन्स बढ़ गए, तो पैनिक न्यूज के कारण और जो भी मार्केट ने हाई लगाया था वही उसी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और जैसे जैसे ये पैनिक क्रिएट होते जा रहा था, इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशंस जो थी वो कम करते जा रहे थे, और जबरदस्त सेलिंग प्रेशर निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल रहा था। तो इसके मद्देनजर अगर जैसा कल का न्यूज था उसी टाइप का न्यूज कुछ महीने पहले, कुछ एक दो साल पहले भी आया था, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था और उसके बाद इंडिया पाकिस्तान के बीच में काफी टेंशन बढ़ गए थे। तो जब भी इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक का, तो सर्जिकल स्ट्राइक एक्चुअली होता क्या है इसके बारे में भी पता नहीं था, और जैसे ही ऐसा न्यूज आता है पैनिक न्यूज, तो मार्केट ने उसका रिएक्शन दे दिया। तभी भी मार्केट ऑलमोस्ट एक 10-15 मिनट में 200-300 की गिरावट दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही पता चला कि ये सर्जिकल स्ट्राइक है, एक्चुअल वॉर शुरू नहीं हुआ है, तो वहां से मार्केट ने फिर से रिकवरी दिखाई थी। ऐसा अभी कुछ दिनों पहले भी हुआ था जब इंडिया चाइना के बीच में फिर से टेंशन्स दिखाई दिए थे। तो अभी ये पैनिक कहाँ तक यहाँ से आगे अगर बढ़ता है तो इसे कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स हो सकते हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 31st August आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो जैसे ये देख पा रहे, ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है, जो हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,692 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,632। निफ्टी इंडेक्स गैप अप ओपन हुआ था, एक्सट्रीम गैप अप ओपन हुआ था, सेकंड टारगेट के भी ऊपर ओपन हुआ था। तो शुरू में तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बना, और जैसे ही एक 9:30-10 के आसपास ये न्यूज आ गई, तो उसके बाद एक पैनिक मूव निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिला। और जैसे ही ये टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ, तो ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 11,617 ये अचीव हुआ, सेकेंड टारगेट 11,595 भी अचीव हुआ। ऊपर आने की जब कोशिश इसने की, तभी एग्जैक्ट सेकेंड टारगेट के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया और फेल हो गया, रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, और यहाँ से और भी पैनिक मूव हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिला। वन वे ट्रेवल कर रहा था निफ्टी कल। तो जैसे कि हमारा प्लान था कल का, तो इसके अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 18 का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट के हिसाब से ट्रेड करते तो अराउंड 13,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल और एक न्यूज आई थी जीडीपी के बारे में, इंडिया के जीडीपी के बारे में। तो काफी ये जो लॉकडाउन पीरियड था उसके कारण काफी जीडीपी भी वर्स्ट हिट हुआ है, अगर दुनिया के अलग कंट्रीज के मुकाबले अगर इसे कंपेयर करें तो काफी वर्स्ट जीडीपी हिट हुआ है ऐसा कहना है। तो यहाँ पर भी आज थोड़ा इसका असर देखने को मिल सकता है। कल यूएस मार्केट नासडैक करीब 79 की बढ़त के साथ फिर से एक बार हरे निशान में बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट में लगातार कुछ 2-3 से एक कमजोरी देखने को मिल रही है, वहां पर लाल निशान में इंडेक्स बंद हो रहा है। एशियाई बाजार देखे आज तो एसजीएक्स निफ्टी रिकवरी दिखा रहा है, 71 की बढ़त दिखा रहा है। जापानीज इंडेक्स हल्की सी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर को देखें तो वहां पर भी एक हल्की सी बढ़त इस समय देखने को मिल रही है। हो सकता है कल इतना जबरदस्त गिरावट आने के बाद एक हल्की सी रिकवरी देखने को मिले। इसका मतलब ये नहीं कि यहां से फिर से बुल मार्केट कंटिन्यू हो रहा है। अगर ये जब तक प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करता तब तक यहाँ पर बुलिश व्यू बनाना काफी रिस्की साबित हो सकता है। तो इस वक्त ग्लोबल मार्केट देखे, एशियाई बाजार तो रिकवरी के मूड में दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। नया मंथ है, पहला ट्रेडिंग सेशन है नए मंथ का, तो मंथली चार्ट को सबसे पहले एनालिसिस करेंगे। अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो ये जो बेयरिश कैंडल है मार्च महीने का, इसका हाई ब्रेक होना काफी जरूरी था।
हम बार बार ये कह रहे थे इस हाई के ऊपर इस महीने का कैंडल क्लोज होना बहुत जरूरी है। ये कल लास्ट डे था अगस्त मंथ का और एग्जैक्ट टॉप से ये इतना नीचे आ गया कि ये जो मार्च का कैंडल था इसके हाई के भी नीचे आ गया, तो इसका अभी तक ब्रेकआउट नहीं मिला है ऐसा हम कह सकते हैं। ये जो मार्च का बेरिश कैंडल है इसका ब्रेकआउट अभी तक नहीं मिला है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये हम यहाँ से कह सकते थे कि ब्रेकआउट मिला है, सिग्नल है। और उसके बाद अगर यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनता है ग्रीन कैंडल तो हम कह सकते हैं कि एग्जैक्ट इसका ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिला है। लेकिन कल जो है लास्ट डे था मंथ का, इसके नीचे हाई के नीचे आके ये क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर ये जो इसका हाई है अराउंड 11,433 के पास है मार्च महीने के कैंडल का हाई, तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। और नीचे एज पर मंथली चार्ट, ये लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं हम, तो नीचे 10,850 के पास सपोर्ट होगा और ऊपर 10,400 ये रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। हो सकता है इस लेवल के बीच में कंसोलिडेट करने के बाद फिर एक बार ब्रेकआउट मिले। तो यहाँ पर लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट के हिसाब से 11,400 फिर से एक बार रेजिस्टेंस का काम करते हुए हमें नजर आ रहा है। वीकली चार्ट पर चलते हैं। ये वीकली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था। नेक्स्ट टारगेट जो था 123.6 है, ये अराउंड 11,935 का आ रहा था। लेकिन कल का जो अनएक्सपेक्टेड न्यूज था उसके बाद ये जो फॉल आया ये एग्जैक्ट ये जो 100% का लेवल था 11,374, जहां पर हमने देखा लास्ट कुछ 4 वीक्स इस लेवल को ये पेनेट्रेट कर रहा था, रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस कर रहा था, उसी लेवल के आसपास आके ये क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर ये हो सकता है ये सपोर्ट टेस्ट करे और यहाँ से कुछ बाउंस बैक करने की कोशिश करे। लेकिन जब तक अभी ये जो बेयरिश कैंडल बना है स्ट्रॉन्ग, इसका हाई जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक यहाँ पर बुलिश सेंटिमेंट्स बनाकर चलना थोड़ा सा रिस्की साबित हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गोल्डन क्रॉसओवर बनने के चांसेस है। गोल्डन क्रॉसओवर यानी क्या, एट ए टाइम तीनों मूविंग एवरेजेस एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और बुलिश स्ट्रक्चर के लिए जो हमें चाहिए 20, 50 और 100 शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म, ये तीनों मूविंग एवरेज असेंडिंग ऑर्डर्स में यहाँ पर बन सकते हैं और उसके बाद हमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये वीकली चार्ट और मंथली चार्ट का एनालिसिस है। डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट पर कल जो ये फॉल आया था, कल यहाँ से एक जो फॉल हमें देखने को मिल रहा था तो उसके बाद यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ये लो और इस हाई को पकड़ के हम ड्रॉ कर सकते थे। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि जैसे जैसे नीचे आ रहा था तो 11,580 के पास 600 के पास पहले इसने पॉज लिया, बाद में 38.2% 11,450 के पास ये पॉज ले रहा था। तो और उसके बाद जहाँ पर ये 50% का लेवल आ रहा था 11,332C के पास, डेली चार्ट में ये जो पिंक लाइन है 20 EMA है इसी के पास एग्जैक्ट इसने सपोर्ट टेस्ट किया है। तो अभी जो 50 और 61.8% के लेवल्स होते हैं ये एक ट्रेंड रिवर्सल ने मतलब यहाँ पर सपोर्ट लेके बाउंस बैक यहाँ से होता है ऐसा पास्ट में देखा गया है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अभी अगर ये क्रूशियल सपोर्ट अगर ब्रेक करता है 11,338, ये कंफर्टेबली ब्रेक करता है, मान लीजिए 11,300 के नीचे अगर ये चला जाता है, ब्रेक डाउन यहाँ पर मिलता है तो निफ्टी इंडेक्स में और यहाँ पर से गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। होप करें कि जैसे यहाँ पर ये अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर 20 EMA का सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ है, फिर यहाँ से 20 EMA का सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक हुआ है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। लेकिन जब तक अभी ये बेयर कैंडल का हाई जो है जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक यहाँ से बुलिश सेंटिमेंट के साथ अपर ट्रेडिंग पोजीशन बनाना काफी रिस्की साबित हो सकता है। तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होता बुलिश सेंटिमेंट्स रखना रिस्की साबित हो सकता है। तो ये था डेली वीकली और मंथली चार्ट का एनालिसिस। आर्ली चार्ट पर चलते हैं, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। कल हमने RSI डाइवर्जेंस देखे थे, बेयरिश डाइवर्जेंस, और उसी के हिसाब से हमें एक इंडिकेशन मिला था कि यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग एक करेक्शन आ सकता है, और उसी के हिसाब से यहाँ से जब न्यूज आया तो एक्सट्रीम फॉल देखने को मिला। तो आज के लिए ब्रेकडाउन लेवल हो सकता है, ये जो लास्ट आप 2 कैंडल्स देख रहे हैं ये इनसाइड बार ट्रेडिंग यहाँ पर हुआ है, यानी प्रीवियस कैंडल का हाई और लो
के रेंज के बीच में ये कैंडल लास्ट हाफ एन आवर का क्रिएट हुआ है और ये लगभग एक बुलिश हरामी जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हुआ। ये जो ग्रीन कैंडल का बॉडी है, ये रेड कैंडल के बॉडी ने इसको कवर कर दिया है, तो ऑलमोस्ट ये बुलिश हरामी जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस कैंडल का लो अगर ब्रेक होता है 11,325 कल का लो अगर ब्रेक होता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,302। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा 11,283। ये हमारा सेकंड टारगेट होगा और अगर इस इनसाइड बार ट्रेडिंग का ये जो ऊपर इस कैंडल का ये जो हाई है जहाँ पर आप देख सकते हैं इसने रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद यहाँ पर इसने काफी सपोर्ट टेस्ट किया और इस लेवल को सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक हुआ है। तो इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है यानी 11,457 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बनाए और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,480। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 11,502 जो कि पिवट पॉइंट का लेवल है। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।